स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है जीके जेस्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बिहार एसटीईटी स्पेशल सीरीज के अनिवार्य प्रश्न पत्र को। इसमें मैंने केवल 25 प्रश्नों को दिया है। यह अभ्यास प्रश्न पत्र बिल्कुल उसी पैटर्न में बना हुआ है जैसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। मुख्य रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न इसमें है, और उसके अलावे जो प्रश्न तर्क शक्ति परीक्षण से संबंधित हैं वैसे प्रश्नों को हमें इसमें जगह दिया गया है। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो तर्क शक्ति परीक्षण से संबंधित हैं और उसमें आपको समय लग सकता है, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर दें और तब उन प्रश्नों को हल करें। हो सकता है कि प्रश्नों को हल करते समय आपसे गलतियाँ हों, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रयास करें, धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी, आप इसमें प्रवीण हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे। और तर्क शक्ति परीक्षण के जो प्रश्न हैं उसका हल मैंने आपको दिया है इसमें, आप उसको भी समझिए कि कैसे ये प्रश्न हल किए गए हैं। और बाकी प्रश्न जो शिक्षण अभिरुचि संबंधित हैं आप उन्हें भी हल करें। आइए शुरू करते हैं। आप चाहे विज्ञान के अभ्यर्थी हों या सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हों, या आपका चाहे जो विषय हो, गणित हो या हिंदी हो, आप अगर किसी विषय के हैं तो आपके लिए प्रश्न पत्र अनिवार्य है, आपको यह करना है। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, अगर आपको यह पसंद आता है, तो मैं आपको कंटिन्यूस ऐसी वीडियो दूंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने अवेलेबल कमेंट्स हमको ज़रूर दें, और साथ ही साथ आप इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसके जो विकल्प हैं वो देखते हैं। इसके चार विकल्प हैं, स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड और गेने। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें और इसका आप हल निकालें। मैं आपको 5 सेकेंड के बाद इसका उत्तर दूंगा एक अनुमान के आधार पर। और इसका सही उत्तर है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने ही बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो तत्वों का एक मिश्रण होता है जिन्हें सामान्य तत्व तथा विशिष्ट तत्व कहा जाता है। स्पीयरमैन के अनुसार एक मनुष्य में केवल एक सामान्य तत्व तथा अनेक विशिष्ट तत्व होते हैं, और सभी विशिष्ट तत्व सामान्य तत्व से संबंधित तथा प्रभावित होते हैं। यह स्पीयरमैन का कहना है। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, जन्म के समय लगी चोट या दृढ़ क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। चार विकल्प हैं। पहला है जैविक मंदता, दूसरा पारिवारिक मंदता, तीसरा गौ आकस्मिक मंदता और घ चिकित्सा मंदता। आपके पास 5 सेकेंड का समय है। और इसका सही उत्तर है जैविक मंदता। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से जो मानसिक मंदता आती है उसे जैविक मंदता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सीखना स्थायी होता है। चार विकल्प हैं, रट कर सीखना, सुन कर सीखना, समझ कर सीखना और देख कर सीखना। इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं, प्रयास करें। और इसका सही उत्तर है समझ कर सीखना। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के सीखने में सीखे गए कार्य की छवि स्मृति के रूप में लंबे समय तक बनी रहती है और हम इसको भूल नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न तर्क शक्ति पर आधारित है। प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जा सकती है। आपके सामने एक प्रश्नाकृति दी गई है, आप इसको देखें और अनुमान लगाएं। चार विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है 129, 129, दूसरा विकल्प है 124 अर्थात 124, तीसरा विकल्प है 127, 127 और चौथा विकल्प है 121 अर्थात 121। आपको मालूम करना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें और इसको हल करें पहले। और सही उत्तर है विकल्प नंबर 127 अर्थात 127।
आइए इसका हल समझते हैं कि कैसे आंसर 127 आया, कैसे उत्तर 127 आया। इसके लिए आपको करना यह है कि ये जो पहला अंक है 2, आप इसका घन निकालें अर्थात इसका क्यूब निकालें, इसका मतलब 2 × 2 × 2 तो ये होता है 8, और इस 8 में आप ये 3 जोड़ते हैं तो आता है 11। उसी तरह अगर आप 3 का घन निकालते हैं तो 3 × 3 × 3 तो आपका उत्तर आएगा 27, 27, और उसमें आप 6 जोड़ते हैं तो आपका ये बीच की संख्या आपकी निकल जाएगी 33। बिल्कुल उसी तरह आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, 5 का अगर घन निकालते हैं आप तो आप 5 × 5 × 5 तो 125 आता है, और 125 में अगर आप 2 जोड़ देते हैं तो आपका उत्तर आता है 127। तो आपका उत्तर विकल्प नंबर ग है 127। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन अल्फाबेट पर आधारित है। क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में मास्टर को हम लिखते हैं SFUTBN तो उसी भाषा में करंट को क्या लिखा जाएगा। आपके सामने 4 विकल्प हैं। विकल्प नंबर क UOFSSDY, विकल्प नंबर ख UOFTTVD, विकल्प नंबर ग UOFSSVD एंड घ है UOFSVSD। आप इसको बनाएं, वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाने का प्रयास करें। आपको मेरी ओर से 5 सेकंड का टाइम है, आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। और इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर ग UOFSSVD। आइए अगला समझें कि ये उत्तर कैसे होता है। आप देखिए प्रश्न में M और M के एक बाद जो अक्षर आता है, जो लेटर आता है, वो होता है N। बिल्कुल वैसे ही A के एक बाद जो आता है, वो तुरंत बाद जो है वो है B, और बिल्कुल वैसे ही S के तुरंत बाद जो आता है वो है T। ये पीछे शुरू हो रहा है यहाँ पे, और T के बाद क्या आता है U, E के बाद क्या आता है F, और R के बाद S। बिल्कुल वैसे ही C के बाद क्या आएगा D, U के बाद आएगा V, और R के बाद आएगा S, इस R के बाद भी S, इसको शुरू करना है लास्ट से आपको, और E के बाद क्या आता है F, N के बाद क्या आता है O, और T के बाद क्या आता है U। तो इस तरह से आपका उत्तर होता है UOFSSVD। आपको करना यही है कि जिस तरह मास्टर में लेटर को जस्ट बाद वाला लेटर दे दिया है लेकिन शुरू किया लास्ट से, आप इस सीक्वेंस को पकड़ें। M के तुरंत बाद आता है N, इसको यहाँ दे दिया लास्ट में। A के बाद आता है B, वो दे दिया सेकंड लास्ट में। बिल्कुल वैसे ही करंट को भी आप करेंगे, C के तुरंत बाद जो आता है लेटर वह है D, और U के तुरंत बाद आता है वो V, और ऐसे ही आप इसको पूरा हल कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया विकल्प नंबर ग। अगला प्रश्न है, निम्न संख्या श्रृंखला में से कौन गलत है। आपके सामने समस्या श्रृंखला दी गई है 97, 86, 73, 58, 41 एंड 36। इस संख्या श्रृंखला में से आपको वह संख्या चुननी है जो एक निश्चित क्रम से नहीं है। आपके सामने 4 विकल्प हैं 73, 58, 45 और 36। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको हल कर सकते हैं। और इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर घ 36। आइए देखते हैं कि उत्तर सही कैसे है। यहाँ जो प्रश्न श्रृंखला दी गई है, संख्या श्रृंखला, इसमें आप देखिए 97 के बाद जो संख्या है वो 86 है, अर्थात 97 से 11 कम हुई। अब 11 के बाद आपको 86 से, आप देखिए कि 86 से आगे जो संख्या है वो 73 है, मतलब कि 11 के बाद 13 कम हुआ इस संख्या से। अब देखिए 73 के बाद 58 है, यह पहली संख्या से 15 कम है, 15 कम है, अर्थात 11 पहले माइनस हुआ, फिर हुआ माइनस 13, फिर माइनस हुआ 15, और अब जो आगे संख्या है 58 के बाद वह है 41, अर्थात 58 से 17 कम है। तो पहली संख्या 11 घटी,
फिर 13, फिर 15 और अब 17। तो इस नियमानुसार 41 के बाद 41 से 19 घटना चाहिए और जहां लिखा है 36 यहां होना चाहिए 22, इसलिए 36 गलत है। यहां आपका आंसर, यहां जो नई संख्या आनी चाहिए वह होनी चाहिए 22, इसलिए ये 36 आपका राइट आंसर है, यही गलत है इस श्रृंखला में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में से कौन गलत है। संख्या श्रृंखला है 0, 2, 6, 14, 20, 30 एंड 42। और आपके सामने जो विकल्प हैं वह क्या है, देखिए आपके सामने चार विकल्प हैं। पहला विकल्प है 14, दूसरा है 20, तीसरा है 30 और चौथा है 42। आपको मालूम करना है कि इसमें कौन सी श्रृंखला ऐसी है, कौन सी संख्या ऐसी है जो इस श्रृंखला में गलत है। एक निश्चित क्रम से यह संख्या बढ़ रही है, आप उस क्रम को पकड़ें और उत्तर की तलाश करें। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। और इसका आंसर है विकल्प नंबर क, 14। अब आप देखिए कि यह 14 कैसे इसका सही उत्तर हुआ। आप देख रहे हैं कि पहली संख्या दी गई है 0, 0 के बाद 2 बढ़ता है और यह संख्या होती है 2, 2 के बाद इसमें 4 की वृद्धि होती है और यह संख्या होती है 6। तो आपने देखा पहले 2 बढ़ी, फिर 2 से ये 4 बढ़ी, अब 4 के बाद ये संख्या 2-2 करके आगे बढ़ रही है। तो 6 के बाद इसमें और 6 जुड़ना चाहिए, तो 6 जुड़ता है तो ये होता है 12, 14 नहीं होता है। आप आगे भी देखें, अगर अगली संख्या 20 है तो अगर यहाँ 12 होता है और नियमानुसार फिर से 2 बढ़ता है तो 6 के बाद इसमें संख्या 8 बढ़ेगी, तो यह अगर यहाँ 12 होता है तो यह 20 जो है ये सही क्रम यहाँ से पकड़ लेता है। फिर आगे 10 की वृद्धि होती है, फिर 12 की वृद्धि होती है, इसलिए जहाँ 14 लिखा है वहाँ नियमानुसार 12 होना चाहिए, क्योंकि पहली संख्या में 2 की वृद्धि हुई, फिर लगातार 2-2 बढ़ते जाता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो यहाँ 14 नहीं 12 होना चाहिए। आपका उत्तर होगा 14। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। आपको मालूम करना है कि इसमें चतुर्भुज की संख्या कितनी है। आपके सामने विकल्प हैं, विकल्प नंबर क 4, ख कहता है 5, ग के अनुसार 9 और घ के अनुसार 8। आपको मालूम करना है कि इसमें कुल कितने चतुर्भुज हैं। और आपका जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ग 9। आपको बताएं कि यह 9 सही कैसे है, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चतुर्भुज आपको मिलता है ये यहाँ पे, और दूसरा चतुर्भुज मिलता है आपको कहाँ पे, एक यहाँ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये आप देख रहे हैं। और उसके अलावे ये जो चारों ओर से एक चतुर्भुज बना है आप इसको भी देख रहे हैं, तो कुल हो गया 5। अब देखिए एक चतुर्भुज बनता है यहाँ से पूरा यहाँ तक, दूसरा बनता है चतुर्भुज यहाँ से यहाँ तक, संख्या हो गई 7। और फिर एक चतुर्भुज बनता है ये जो चारों ओर की भुजाएं हैं इसमें भी एक बनता है चतुर्भुज, और एक चतुर्भुज फिर यहाँ बनता है, आप इसको भी देखें, तो ये हो गया कुल 9। यानी कि इस आकृति में कुल 9 चतुर्भुज हैं, तो आपका उत्तर सही होगा यह 9। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न थोड़ा लंबा है, आप इसको ध्यान से सुने। एक छायाचित्र में अरुण राम की बाई ओर है। ध्यान से प्रश्न को सुनेंगे और आप चाहें तो पॉज करके इसको बनाने की कोशिश करें। रोजी जॉन की दाहिनी ओर है, आलोक अरुण और रोजी के बीच में है, तो बताएं निम्न में से किनारे पर कौन है। चार विकल्प हैं, अरुण, रोजी, जॉन और आलोक, इन चारों में से आपको खोजना है कि किनारे पर कौन है। और इसका सही उत्तर है जॉन। अब देखें कि ये जॉन सही कैसे है, जो हिम्स दिए गए हैं उसके अनुसार यह जो क्रम है वह है राम, अरुण, ये पहले राम है, फिर अरुण है, फिर आलोक है, फिर रोजी है और फिर जॉन है। तो जो विकल्प आपको दिए गए हैं अरुण, रोजी, जॉन और आलोक,
इसमें यह जॉन ही है जो किनारे बैठा है, अगर इसमें राम होता जॉन की जगह पे तो आपका उत्तर राम होता। तो आप इसको जॉन पे सही टिक लगाएंगे, आपका आंसर जॉन होगा। प्रश्न है, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वह कौन है? तो चार विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है बैंकिंग मॉडल, दूसरा विकल्प है रचनावादी मॉडल, तीसरा विकल्प है प्रोग्रामिंग मॉडल और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आपको चुनना है इसमें सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है रचनावादी मॉडल। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वह है रचनावादी मॉडल, क्योंकि रचना का अर्थ ही होता है किसी नई वस्तु का सृजन करना, इसलिए आपका आंसर रचनावादी मॉडल ही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम कब प्रारंभ होता है? चार विकल्प हैं, अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से और दृश्य श्रव्य सामग्री से। आपको तय करना है कि इसमें सही विकल्प कौन सा है। और इसका सही उत्तर है संपर्क से। संपर्क से सामाजिक अधिगम का प्रारंभ होता है। लिंडग्रेन के अनुसार सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपर्क के कारण आगे बढ़ती है। अगला प्रश्न है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास किस अवस्था में है? ये एक केस स्टडी है, आप इसको समझें और बताएं कि वह बालक किस अवस्था में है। चार विकल्प हैं, प्रारंभिक अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और बाल्यावस्था। आपको तय करना है कौन सा सही उत्तर है। और सही उत्तर है किशोरावस्था। इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। इस अवस्था में किशोर के आवेगों और संवेगों में इतनी अधिक परिवर्तनशीलता होती है कि वह प्रायः विरोधी व्यवहार प्रकट करने लगता है, जिसे समझना कठिन हो जाता है। इसलिए जो ऊपर दी गई है स्थितियां, उसके अनुसार वह बालक किशोरावस्था में ही है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? चार विकल्प हैं, पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव और जिज्ञासा। इनमें से कौन ऐसी है जो प्रथम सोपान है सीखने की प्रक्रिया का? और इसका सही उत्तर है जिज्ञासा। जिज्ञासा सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है? चार विकल्प हैं, पहला है वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, ख है वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है, ग कहता है श्याम पट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता है और घ कहता है उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगर आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक है तो उपरोक्त सभी व्यवहार उसमें होते हैं परिलक्षित। ऊपर सभी जो दिए गए हैं विकल्प वो सब सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कम गति से सीखने वाले बालक की मुख्य विशेषता क्या होती है? चार विकल्प हैं, उसमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन और शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। तो उनमें अगर यह है तो आपका उत्तर विकल्प नंबर क है। ख कहता है उनमें कक्षा में समायोजन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। विकल्प नंबर ग है, उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है। और घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको तय करना है कि कौन सा विकल्प सही है। और इसका सही उत्तर है क, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन और शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। यह होगा विकल्प नंबर क आपका सही उत्तर। ऐसे बच्चों में सीखने, सुनने, बोलने, लिखने, तर्क शक्ति या गणितीय कौशल आदि से संबंधित समस्याओं का होना उनकी प्रमुख विशेषता होती है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अक्षमता जन्मजात होती है? चार विकल्प हैं, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मुख बधिर और मंद बुद्धि। इनमें से आपको मालूम करना है कि कौन सी ऐसी अक्षमता है जो जन्म से होती है, जन्मजात होती है। और आपका सही उत्तर है मंद बुद्धि, विकल्प नंबर घ। इसके बारे में कुछ आप समझ लें। यह विचार सदा से लोकप्रिय रहा है कि मानसिक पिछड़ेपन का अर्थात मंद बुद्धि का प्रमुख कारण वंशानुक्रम ही है। मंद बुद्धि अक्षमता को ही जन्मजात समझा जाता है, क्योंकि इन्हें इसका मुख्य भाग उनके माता पिता के मानसिक पिछड़ेपन से ही मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इकाई का प्रयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? चार विकल्प हैं, डेसीमीटर, डेसीबल, डेसीपाइन और डेसीबिंदु। आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। और सही उत्तर है डेसीबल, विकल्प नंबर ख। सुनने की क्षमता की जांच के लिए डेसीबल का हम इस्तेमाल करते हैं, और व्यक्ति की जो श्रव्य क्षमता होती है वह 40 से 50 डेसिबल तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, समाज नीति तकनीक का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? चार विकल्प हैं, आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, समाजीकरण की जांच में और इन सभी कामों के लिए। और इसका सही उत्तर है समाजीकरण की जांच में, विकल्प नंबर ग। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न तर्क शक्ति से संबंधित है। यदि किसी कूट भाषा में जनरल को NEGELAR कहा जाता है तो उसी भाषा में नेशंस को क्या कहा जाएगा? चार विकल्प हैं, TANIONS, ये पहला विकल्प है। दूसरा है TANISON, तीसरा विकल्प है OTANISN और चौथा घ नंबर विकल्प है TANISNO। आपको देखना है इसमें कि कौन सा सही विकल्प है। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लें। और इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर घ, TANISNO। अब आइए देखते हैं कि ये उत्तर कैसे सही है। आप यहाँ देख रहे हैं जनरल में जो शुरू के तीन अक्षर हैं GEN, आप इसको देखें GEN को, और GEN को हमने क्या किया है, उत्तर में हमने इसको उलट दिया है, NEG को कर दिया है पहले और E को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया गया, और फिर जो लास्ट का RAL है इस RAL को हमने उल्टा कर दिया और यहाँ हो गया LAR। इस तरह हमारा ये बन गया नया शब्द। वैसे ही अगर हम NAT में तीन शुरू के अक्षरों को बदलते हैं तो होता है TAN, और अगर यही प्रक्रिया आगे अपनाते हैं और आई को बिल्कुल वैसे ही छोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर क्या होता है, ये हो गया TAN, आई को हमने छोड़ दिया और अंत में जो है ONS, इस ONS को उल्टा कर दिया हमने और SNA यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमारा उत्तर तैयार हो गया, विकल्प नंबर घ, TANISNO। तो इस तरह हमारा ये सही उत्तर हमको मिल जाता है। तो आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस शब्द का चयन करें जो कॉम्प्लीमेंट्री में दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता है। आपको चयन करना है कौन से शब्द इसमें ऐसे हैं जो नहीं बन सकते हैं। पहला विकल्प है टाउन, दूसरा है नियर, तीसरा है सिटी और चौथा है पायलट। आपको मालूम करना है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री में दिए गए अक्षर लेटर्स, उनमें से हम अक्षरों को लेकर के कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं। आप देखिए, आपके सामने 5 सेकंड का समय है, आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लें। इसका सही उत्तर है टाउन, विकल्प नंबर क। क्यों? क्योंकि आप देखें कॉम्प्लीमेंट्री में इसमें W अक्षर है ही नहीं, इसमें W लेटर है ही नहीं, तो हम इसको नहीं बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न संख्या क्रम में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रयुक्त होगी?
पहले देखते हैं कौन सी संख्या श्रृंखला है, यह है 6, 13, 28, उसके बाद यह है क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद 122 और फिर है 249। आपको मालूम करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। विकल्प हैं क 35, ख 48, ग 59 और घ 70। आपको देखना है कि यहाँ कौन सी संख्या आती है। आपके सामने 5 सेकंड का समय है, आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लें, समय बहुत कम दे रहा हूँ मैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लें और सही उत्तर है 59। अब देखते हैं ये उत्तर सही कैसे है। आप देखें 6 जो पहली संख्या है इसमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया गया और फिर 1 जोड़ा गया, तो 6 × 2 होता है 12 + 1 हो जाएगा 13। अब 13 में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 13 × 2 = 26 और इसमें 2 जोड़ने पे आता है 28। उसी तरह से अगर 28 को हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, 28 × 56 और अब इसमें 3 जोड़ना है, तो 56 में अगर 3 जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 59, इसलिए हमारा आंसर होगा 59। ऐसे ही आप आगे भी क्रम बढ़ेंगे तो आपको ये जो संख्या दी गई है यह भी आपको बिल्कुल सही मिल जाएगी, तो हमारा आंसर होता है 59। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को कौन तैयार करता है। तो 4 विकल्प हैं, NCERT, NCTE, NIPA और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो सही उत्तर है NCERT, विकल्प नंबर ख। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCERT तैयार करता है। पाठ्यक्रम में नवाचार अनुसंधान नियोजन करना भी NCERT का ही उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि कर के सीखने का अवसर प्रदान करती है। 4 विकल्प हैं, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि और ये सभी। और सही उत्तर है योजना विधि। योजना विधि में कर के सीखने का अवसर प्राप्त होता है विद्यार्थियों को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है। 4 विकल्प हैं, पहला विकल्प नहीं राजू उत्तर 45 नहीं है, दूसरा विकल्प है कमला उत्तर देने में तुम राधा की सहायता नहीं कर सकती, गौ अरे नहीं आमतौर पर तुम गलत हो, और घ राजीव तुमने सही कहा। यह 4 विकल्प हैं, अब बताना है कि इनमें से कौन सा पुनर्बलन का उदाहरण है। और सही उत्तर है राजीव तुमने सही कहा, यह पुनर्बलन का सटीक उदाहरण है। इस वाक्य में सकारात्मक पुनर्बलन निर्दिष्ट है। अगला प्रश्न है, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समान एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या है। 4 विकल्प हैं, पहला विकल्प है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, दूसरा है उद्देश्य की सूचना, तीसरा है विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना और चौथा अर्थात घ है श्याम पट पर विषय वस्तु को लिखना। तो इन चारों में सही विकल्प कौन सा है। और इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर क, तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। कक्षा में अध्यापक द्वारा उद्देश्य की सूचना से पूर्व विषय वस्तु तथा इससे संबंधित छात्रों की पूर्व ज्ञान पर आधारित तर्क संबंधी तथ्यों का व्याख्या करना होता है और यह अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। तो इस तरह से ये 25 प्रश्नों का एक सेट पूरा हुआ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने अवेलेबल कमेंट्स हमको जरूर दें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।